खबर रायसेन सिलवानी से 10 मुहर्रम यौम आशूरा के मौके पर अखाड़ों का अहतमाम गुज़िश्ता सालों की तरह इस साल भी किया गया, जिसकी क़यादत अखाड़ों के उस्ताद लल्लू उस्ताद ने की। अखाड़े छोटी मस्जिद से शुरू होकर मेन रोड से होते हुए गांधी चबूतरे पहुंचे, वहां से सिलवानी गैरतगंज रोड से होते हुए करबला पहुंचे। वहां पर आज उस प्रोग्राम का समापन हुआ। नौजवान लड़कों ने लकड़ी घुमाना, तलवार घुमाने का मुजाहिरा किया। चलिए देखिए सिलवानी की अखाड़ों की पूरी खबर वीडियो के साथ।
उम्र 55, 65 या 75 की हो, लेकिन दिल बचपन का है आज भी। जी हाँ, हम एक बुजुर्ग की लकड़ी और उनका भाला घुमाना देख रहे हैं। उनके जज्बात को देखिए कि मैदान उनको नहीं छोड़ता, वो मैदान को नहीं छोड़ते। ये मैदान में उन्होंने तलवार का मुजाहरा किया। ये सिलवानी के पुराने अखाड़ों के खिलाड़ियों में से हैं, ये नसीर भाई आपके सामने भाला घुमाते हुए। बुढ़ापे की उम्र में इनकी फुर्ती तो देखिए, मानो जैसे कि कोई जवान लड़का अपने फन का मुजाहरा कर रहा हो। इन्होंने अपना हुनर दिखाकर अपने दिल हर एक दिल को भागा। ये आपके सामने फहीम भाई देखिए, कितनी ही फुर्ती में और कितनी अच्छी तरीके से लकड़ी घुमाते, भाला घुमाते हुए। अगर आप अपने शहर की हर खबर से बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारा आने वाला हर एक एक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। माशाल्लाह, बुनिया की तो इसकी आपने ही रखी है यहाँ पर सिलवानी में। बहुत अच्छा, खुशी खुशी मनाया गया सारा। माने अपने का जो गंगा जमनी थी, अजीब हिंदुस्तान की रही है, उसके साथ मिलकर हिंदू और मुसलमान बराबर का।